वाई टू था इसमें सर, मतलब वो डेट था कंडीशन, उसको सर ने ऑन कराया एमएमसी चेंज करके सर। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप हुआ कि पहले से सर ने करके लाया हो? और नहीं सर, यही सबके सामने, सबके सामने हुआ सर, और हमारे ही फोन है सर। सर का तो फोन नहीं है? नहीं सर, हमारे पहले से रेडी करके रखा हूँ क्या? नो सर, ये फोन आप ही लोगों का है? यस सर, पहले से तैयार करके रखा हूँ भाई, ये देखो ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा अच्छा मिलन सर, अभी जो हम ये लाइव आए, क्या आपको ये पता था कि हम लाइव आने वाले? मेरे को भी नहीं पता था लाइव आ रहे हैं सर। ये लाइव क्लास में किसी को भी पता था क्या? तो ओवरऑल कैसी चल रही है क्लास? तो ये आप देख सकते हैं लाइव क्लास, और उन लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं या नेगेटिव या पॉजिटिव, तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि एक बार आप विजिट करिए। नहीं कर सकते सर, आप केवल चार दिन आइए। हाँ, और आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूरे पैसे लेकर के घर जाइए। सर बोल रहे हैं आप क्यों नहीं गए? अरे मुझे चौथे दिन में मुझे प्रूव हो गया था कि मैं कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। चौथे दिन ही सीपीयू लगवा दिया था सर ने। लगा दिया था? हाँ, लेवल को जिंदा मोबाइल लाया था। और मैं फिर सर ने ऐसा कुछ बोला था कि अगर मान लीजिए आप नहीं सीख पा रहे हो तो डाउट है तो आप घर जा सकते हैं? सर बोला था अगर जहाँ पूरी फीस रिटर्न है सर, पूरी फीस नहीं, कोई नहीं बोलता। हाँ, अगर एक बार आप आइए और विजिट करिए और देखिए कि क्या रियलिटी है, क्योंकि आप अरे आओ सर देखिए यहाँ पे क्या है, कहीं नहीं देखने को मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ नहीं आएंगे। 2000 कौन से बैच के स्टूडेंट? 28 फरवरी 2019। देखिए 2019 के बैच के स्टूडेंट आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? सर मैं पहले बता देता हूँ, ये केवल पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करके गए थे, तो अगर इनको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं पढ़ाया गया होता तो ये वापस यहाँ पे आते क्या? नहीं आता सर। क्यों आप आए यहाँ पे? सर क्योंकि अच्छा नॉलेज मिला था यहीं से, तो मैं सोचा पूरा नॉलेज यहीं से ही लूँगा और दूसरे जगह से नहीं लूँगा। दूसरे जगह से नहीं लेंगे? तो अभी कैसा पढ़ाएगा जो आपका? सर एकदम मस्त है सर। ऐसा तो नहीं कुछ चीज़ हाइड करके पढ़ा रहे? नहीं सर, पूरा प्रैक्टिकल है सर, जब से आते हैं तब से। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे टेलीकॉम से दुर्गेश, और आज हमारी चल रही है एमएमसी की क्लास चल रही है, जो कि हम स्टूडेंट से देखेंगे कि जो कुछ बोलते हैं कि अरे ऐसे टेलीकॉम में नहीं पढ़ाया जाता है, या ऐसे टेलीकॉम कैसा है कैसा नहीं है। तो अभी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, अंदर क्लास चल रही है, सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और इन स्टूडेंट से हम जाके लाइव पूछेंगे अभी कि क्या वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर हमारे इंस्टीट्यूट में बोला जाता है कि अगर आपको चार दिन में समझ में नहीं आता है, अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, देखिए बिना समझे बिना देखे आप नहीं जज सकते हैं। तो एक बार आप विजिट करिए, और विजिट करने में आपको मैं बता दूं, अगर चार दिन में आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल ही जा सकते हैं, आपको पूरे का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। और आपको चार दिन बाद समझ में नहीं आया, क्योंकि चार दिन में जो हम बोलते हैं कि आपको तीसरे दिन में पावर और चौथे दिन में लाइव यहाँ पे सीपीयू लगवा देंगे, तो वो सारा कुछ हम करने के बाद अगर उसमें भी नहीं होता है तो आप बिल्कुल ही अपने घर जा सकते हैं। और ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, और यहाँ पे कोई भी मैंने प्रिपेयर नहीं हुआ है, लाइव क्लास चल रही है। लाइव क्लास में देखेंगे कि एक्चुअल में पढ़ाई होती है कि नहीं होती, और ये चीज आप लाइव में भी देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो आप अभी देख सकते हैं लाइव चल रहा है, ये लाइव को हम एडिट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए क्लास में चलेंगे और देखेंगे और पूछेंगे कुछ स्टूडेंट से भी कि क्या वो जो कर रहे हैं पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कि बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम लाइव करने वाले हैं। तो चलिए क्लास में चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये हमारी देखिए लाइव क्लास चल रही है यहाँ पे, और सर भी मिलन सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है रियलिटी। ये लाइव क्लास में हम चल रहे हैं, और लाइव क्लास में आप देख सकते हैं वहाँ पे पढ़ाई चल रही है, कोई भी नहीं है। तो चलिए हम स्टूडेंट से कुछ पूछते हैं कि क्या वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यस सर। हाँ जी, क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है? यस सर, अभी लाइव क्लास चल रही है। ऐसा तो नहीं स्क्रिप्टेड हो और बोला गया आपसे कि चलो ये लाइव हमारा है? यस सर, लाइव चल रहा है सब। ऐसी क्लास चल रही थी हमारी सर। तो अभी बताइए, जैसा बोला जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता तो क्या किया जाता है? नहीं, ये तो 100% मतलब गलत है ऐसा बोलने वाले कि नहीं पढ़ाया जाता, ये आप ही देख लीजिए, ये भी लाइव सबूत है आपके लिए। क्लास में सब पढ़ाई चल रहा है हमारा, लाइव चल रहे हैं हम। तो अगर जो बोला जाता है कि चौथे दिन में आप सबको पैसा हम रिटर्न कर देंगे, तो आप क्यों नहीं वापस करोगे? सर पहले चार दिनों में हमें समझ मतलब इतना सारा अनुभव मिल जाता है, इतना सारा एजुकेशन मिलता है, तो कोई भी आदमी ये सोचेगा नहीं, इससे आगे क्या रहेगा उसकी उसको वो ओड रहेगी वो। तो मतलब आपने चार दिन में आप नहीं गए, अभी तक की जो क्लास हुई एमएमसी क्लास कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया हुआ है, और हर चीज़ में थ्योरी रहने दीजिए मोबाइल का, बाद में प्रैक्टिकल रहने दीजिए, सॉफ्टवेयर रहने दीजिए, ईएमसी
सी सब बेस्ट है यहाँ पे। ये चीज हम लाइव आ रहे हैं और ये लाइव में भी कोई एडिट कर सकता है क्या? ये तो लाइव नहीं कर सकते। लाइव में तो हम चलिए वीडियो में तो कर सकते हैं पर लाइव कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कुछ नहीं कर सकते। ओवरऑल अभी तक का आपका पैसा वसूल हुआ है? नहीं हुआ। पैसा डबल वसूल हुआ है मुझे। तो एक बात आप बताइए, जो देख रहे हैं जो अभी तक इंस्टीट्यूट आए भी नहीं है, तो एक बार विजिट करके डिसाइड करना चाहिए कि अगर वो एक बार कभी आए नहीं है तो भी क्या सर, जिसको भी शक होगा या डाउट होगा ना, वो पहले 4 दिन यहाँ पे आके ज्वाइन कर ले और अगर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है तो वो सीधा जा सकता है, इंस्टीट्यूट भी उनको कोई रोकेगा नहीं। चलिए, कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको लाइव नहीं बताता, अपना लाइव नंबर दीजिए। मेरा लाइव नंबर है मोबाइल नंबर 9890791691। क्लास से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो हमें कॉल मत करिए, आप डायरेक्ट इनको कॉल करके लाइव पूछ सकते हैं। यस यस सर, डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू। या तो फिर ये आ सकता है आपके सामने। तो इधर देखिए जी सर, तो हम और कुछ ऐसे सबसे नहीं पूछेंगे, जो भी क्लास चले क्लास को हम इंटरप्ट भी नहीं करेंगे, क्लास को हम ये भी नहीं करेंगे क्लास में किसी को उठा के पर्टिकुलर, ये कि हमने वीडियो इसलिए बनाया एक लाइव आकर के लाइव क्लास में कि एक्चुअल में पढ़ाया जाता है कि नहीं जाता है। तो बताइए क्या चल रहा है सर? क्लास चल रही है। क्लास चल रही है, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी कुछ चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सॉफ्टवेयर की क्लास चल रही है, एमएमसी की क्लास चल रही है। कैसे पढ़ाया जा रहा है क्लास? बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है सर। कुछ लोगों का कहना है अरे तुम्हें तो पढ़ाया नहीं जाता। नहीं सर, हमारे सब मोबाइल रखे हुए, लाइव सही हो रहा है सर। लाइव हो रहा है? ये आप करते हैं कि मिलन सर करते हैं? नहीं, हम ही करते हैं। आप करते हैं प्रैक्टिकल? आपको पूरा बताया जाता है, आप करते हैं वहाँ पे? हाँ पूरा। तो जो नहीं आया, जो देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे क्लास के बारे में? सब ओरिजिनल है सर, कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं स्क्रिप्टेड हो, पहले से हमने ऐसा कुछ नहीं सर, मेरे को तो पता ही नहीं आपका बंदर आ गया। अच्छा, आपका बंदर। चलिए, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ स्टूडेंट और हैं। तो बताइए, यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं लिया जा रहा है, ये ऐसा एक लाइव वीडियो है कि एक्चुअल क्या होता है, कमेंट आते हैं कि अरे वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, तो हम इसलिए एक लाइव आए और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या है, बताइए। नहीं, जो कुछ है देखते हो आप वीडियो, वही सच्ची है, मतलब कि जो बताते हैं सर, जो पढ़ा रहे हैं लाइव देखते हो और डेली आप लाइव देखते हो, वो बस रियल है सब कुछ है। ऐसा कोई लाइव आ करके, क्योंकि देखिए वीडियो तो स्क्रिप्ट कर सकते हैं पर लाइव में क्या स्क्रिप्ट कर सकते हैं? नहीं सर, कभी नहीं हो सकता, लाइव तो स्क्रिप्ट हो नहीं सकता ये। और एक दूसरी चीज़ की जो हमने बोला है कि अगर आपको 4 दिन में समझ में नहीं आता है तो आप क्या हो सकते हैं, रिटर्न जा सकते हैं। बिल्कुल सर, आपका पैसा ही वापस मिल सकता है 4 दिन में। हाँ, पूरा पैसा वापस मिल जाएगा कि अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं सीख पाएंगे या कुछ भी, पहली बात तो आप जाओगे नहीं 4 दिन में। आप क्यों नहीं गए सर? मेरे को पता कि हम मैं इधर सीख के जाऊँगा सर। मैं लाइव लाइव क्लास भी चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिलन सर हमारे पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो कैसा रहा अभी तक का सर? बहुत बढ़िया रहा सर, मेरे को इतनी नॉलेज मिली है, इतनी ज़्यादा कि पहले तो हम जीरो थे सर, बस जैक डाल लिया, कंबो डाल दी, बस यही था। अब तो मतलब जैक डालना और कंबो डालना भूल ही जाएंगे हम। अच्छा। जो इसमें जो काम था यही है, ईएफसी चेंज करना। हाँ, फोल्डर चेंज कर दो, वो तो रिपेयरिंग है, वो तो बच्चा भी कर लेता है सब कुछ। मैं कोई भी बैठेगा 10 दिन दुकान पर, वो कंबो वो भी डाल लेगा। कैसा पढ़ाया जा रहा है? बहुत बढ़िया सर। और मिले सर का थैंक्स करना चाहता हूँ कि ईएमसी मेरे को पता ही नहीं था कि ब्लैक पेज कैसे निकालते हैं यार, जो भी मतलब पहले तो हम हाथ ही नहीं लगाते थे ब्लैक पेज के लिए, तो सर ने इतना आसान तरीका बताया कि हम ऐसे देख के बता रहे उतार सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हाँ सर, दिल से बता रहे हैं। बिल्कुल सर, दिल से। लाइव नंबर दीजिए अगर 9 सर, और मैं जम्मू से हूँ, मेरा नंबर 9055107979। कोई दे सकता है ऐसा लाइव नंबर? कभी भी दे सकता कोई। हम आप इनसे क्लास से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, और ये नहीं पूछना बस नहीं, आप इन्हें फ़ोन भी भेज सकते हैं अगर आप नियर अबाउट रहते हैं तो। रिपेयर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। ऐसा कोई लाइव दे सकता है? नहीं, ऐसे लाइव तो कोई भी देता है इंस्टीट्यूट वाला, तो अगर ऐसा लाइव मिल रहा है आपको तो आपको विश्वास ही करना पड़ेगा। अब मेरे को कॉल करके पूछ भी सकते हो मेरे पास, अगर आप जम्मू से हो तो हमारे जम्मू से जो भी पास में रहता है वो मेरे को आके पूछ भी सकता है, वो फ़ोन भी ठीक से करवा सकता है कोई भी दुकानदार हो। चलिए ठीक, ठीक है, थैंक यू। अब और एक प्रोसेस सीखेंगे। तो बताइए क्या चल रहा है? ये सर क्लास चल रही है ईएमसी की, डेड मोबाइल ईएमसी को फोन कर रहे हैं सर। तो ये लाइव क्लास में हम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ सर, बिल्कुल लाइव हो रहा है सर। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई स्क्रिप्टेड चल रहा है? सर बिल्कुल प्रैक्टिकली हो रहा है, हर चीज़ मोबाइल चालू किए जा रहे हैं, हमारे ही मोबाइल हैं और बहुत सारे मोबाइल होते हैं। आप बताइए हमें, आपने कुछ लाइव काम किया? हाँ सर, मैंने कल ही परसों के दिन बिल्कुल ब्लैक पेस्ट आईसी का काम किया था, जो कि मेरा वीडियो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये हो सकता है वीडियो स्किप रहा हो, सर ने कर
कर दिया हो और बिल्कुल लाइव सर, बिल्कुल लाइव, एक सेकंड के लिए भी कटिंग नहीं है सर। तो वो आपने किया या सर ने? मैंने खुद ही किया था सर, कोई नहीं था मेरे साथ। वीडियो में तो ये भी कह सकते हैं कि अरे सर ने सर, पहले अकेले ही खुद किया था मैंने सर। और मान लीजिए यहाँ पे जो नहीं आए हैं और वो बिना आए जज कर रहे हैं कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, क्या वो सच है या फिर क्या? ना सर, पहले तो अपने अंदर झांक के देखें, वो कुछ कर पाते नहीं कर पाते, बिना किसी को, बिना देखे बिना जांचे किसी को हम जज नहीं कर सकते सर। आप केवल चार दिन आइए। हाँ, और हाँ, आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूरे पैसे लेकर के घर जाइए। सर बोल रहे हैं आप क्यों नहीं गए? अरे मुझे चौथे दिन में मुझे प्रूव हो गया था कि मैं कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। चौथे दिन ही सीपीयू लगवा दिया था सर ने, लगा दिया। हाँ, लेवल को जिंदा मोबाइल लाया था। और फिर सर ने ऐसा कुछ बोला था कि अगर मान लीजिए आप नहीं सीख पा रहे हो तो डाउट है तो आप घर जा सकते हैं? सर बोला था अगर जहाँ पूरी फीस रिटर्न है सर, पूरी फीस नहीं बोलता। हाँ, अगर एक बार आप आइए और विजिट करिए और देखिए कि क्या रियलिटी है, क्योंकि आप अरे आओ सर देखिए यहाँ पे क्या है, कहीं नहीं देखने को मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ नहीं आएंगे तो, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको। स्क्रिप्टेड तो नहीं है कि आपको पहले से बोला गया? ना सर कुछ भी, अभी तो मुझे पता भी था क्या कि हमारे? ना ना सर कुछ पता नहीं था कि ये लाइव होने वाला है। अच्छा ऐसा कुछ, चलिए ठीक है। और भी कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा और क्लास कैसी चल रही है। हाँ जी, क्या चल रहा है अभी? सर क्लास चल रहा है। तो क्लास से रिलेटेड कुछ आप बताइए, क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्या नहीं कर रहे हैं? सर आरपीएमबी बाईपास। आरपीएमबी को कैसे क्लीन करते हैं? जी सर। ये सारा कुछ जो आप लैंग्वेज अभी इस्तेमाल कर रहे हैं जी सर, तो उसका नॉलेज है कि नहीं? सर है, अभी है, पहले नहीं था। पहले पता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप जितने भी इंटरफेस है उसमें चला पाएंगे अभी आप? एकदम सर। तो कैसे लग रही है ओवरऑल क्लास? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सर अगर आप भी, आपसे भी वही सवाल है कि अगर मान लीजिए चार दिन में आप सीपीयू नहीं कर पाते तो सर ने बोला था कि रुक जाओ बाद में कराएंगे? नहीं सर, वो बोले थे अगर नहीं समझा तो पैसे लो वापस जाओ। जा सकते हैं आप? क्यों नहीं गए? नहीं सर, मेरे को ज़्यादा कुछ मिला है, मैं किया था सर। आपके पैसे एक्चुअल देखा जाए तो चार दिन में ही वसूल हो गए थे? एकदम सर, सीपीयू चेंज करते थे, सीपीयू रिवॉल्व करने में उसको कैसे रिमाउंट माउंट किया जाता है? जी सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पूछते हैं। हाँ जी, तो इनसे भी कुछ पूछते। बैठे रही क्लास को हम इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है। हम यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं ले रहे, हम लाइव दिखा रहे हैं आपको कि एक्चुअल में क्लास में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बिल्कुल सर। तो बताइए कैसा चल रहा है क्लास? बहुत अच्छा चल रहा है सर। ब्लैक पेस्टर्ड के बारे में अगर बात करें? बहुत ईजी हो गया सर ब्लैक पेस्टर्ड। अब इससे पहले करते थे आप? कभी नहीं सर। आपने यहाँ किया? नहीं, यहाँ पर तो किया मैंने, पहले नहीं किया कभी। पहले कभी नहीं? जी सर। अरे हमने तो लाइव भी देखा। बिल्कुल हाँ सर, लाइव भी करें सर। तो एमएमसी चेंज जैसा कि सर पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये चाहे वो क्वालकॉम सीपीयू, इमीडिएट कोई भी हो, ए टू जेड कोई भी, हमारी स्टोरेज आई जितनी मैं बातें कर रहा हूँ, स्टोरेज आईसी, स्टोरेज आईसी के प्रकार, कौन सी स्टोरेज आईसी डैमेज हो सकती है, कौन सी रिपेयर हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, यहाँ तक को लोगों को पता है स्टोरेज आईसी के बारे में, मैं बताऊँ डिटेल ही नहीं पता? नहीं डिटेल नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था आपसे आज से पहले जो। तो अभी किस स्टोरेज आईसी पे आप काम कर सकते हैं, किस स्टोरेज आईसी का आरपीएमबी क्लीन कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते? जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको भी वो चीज़ें समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं जो समझ में ना आ रही हो तो मिलन सर क्या डांट वांट देते हैं क्या? नहीं, नहीं, नहीं कुछ भी ऐसा नहीं, डांटते नहीं है, जब तक क्लियर नहीं हो जाता, जब तक छोड़ते नहीं है, जब तक क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक एक बंदे का क्लियर नहीं हो जाएगा सबका क्लियर। अच्छा मिलन सर डांटते भी है तो किस लिए डांटते हैं? वो जब तक समझा नहीं देंगे पूरी तरह से, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक डांटते रहेंगे। पूछो बिल्कुल सर, ऐसा कहीं होगा क्या? सर ऐसा कहीं नहीं होता, ये सब एशिया टेलीकॉम में होता है सर। ओवरऑल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सफर का सर? बिल्कुल बहुत अच्छा रहा सर, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है कुछ। हाँ जी, कैसी चल रही है क्लास? बहुत बढ़िया चल रही है सर। बहुत बढ़िया मीन्स जो इसे टेलीकॉम में सोच के आए थे कि? हाँ सर, अभी जितना सोच के आए थे उससे कुछ ज़्यादा ही है यहाँ सर। यहाँ अगर कोई आ जाए तो उसको मज़ा ही जाएगा इस सब में। ऐसा तो नहीं है कि कुछ खिला पिला करके तुमसे रिव्यू, मतलब रिव्यू तो नहीं ले रहे हम, एक लाइव क्लास में इंट्रो ले रहे हैं कि देखते हैं कि क्या क्लास चल रही है। ना सर, पढ़ाई नहीं होती इसे यहाँ, हम लोग खाना खाने नहीं आए सर, पढ़ने आए, और हम लोग को पढ़ाई बहुत अच्छे से मिल रही है। नहीं, कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। ना ना, जो बोल रहा है उसको नहीं पता होगा शायद, इसलिए बोल रहा है। एक बार आना चाहिए, एक बार आके देख देना चाहिए वो पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको मिला या नहीं मिला? बहुत मिला। पैसे वसूल हुए कि नहीं? पैसे तो मेरा पहले दिन का एमसी क्लास में, पहले एक क्लास में हो गया था देख के। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए, हम क्लास को ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो बताइए कैसा चल रहा है क्लास? बहुत बढ़िया रह जाए सर। ये हम लाइव भी चल रहे हैं, अब थोड़ा सा मैं वीडियो में यूट्यूब में भी दिखाना चाहूँगा कि अभी भी हम लाइव हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं लाइव है। तो बताइए कैसे क्लास चल रही है? बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। सिखाया जा रहा है या सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? बिल्कुल सीख पा रहा हूँ। प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग होती है तो कोडिंग के थ्रू कितना आसान है पढ़ने में? बहुत आसान है सर।
तो कुछ लोगों का मानना है कि अरे वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, तो बताइए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि आदमी आता है यहाँ पे और किसी की समझ में नहीं आता, जिसकी समझ में नहीं आता उसकी भी समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। बताइए, हमें एक बात बताइए, आपको बोला गया था कि चार दिन में अगर समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल ही घर जा सकते हैं, तो क्या आपको रोका गया क्या? नहीं, किसी को नहीं रोका गया। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो वो जा सकता है, या कुछ भी प्रॉब्लम है अब चार दिन के बाद जा सकता है, जा सकता है। बट जाएगा क्यों जब उसको सीखने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं गए? नहीं, मुझे सीखने को बहुत, क्योंकि यहाँ पे सीखने को बहुत ही अच्छी तरह। देखिए, आपको हम कहते हैं कि जितना हो सके आप उतना लेकर के जाओ, नहीं होता है तो वापस आप 3 महीने 2 महीने फिर से आओ, और जितनी बार आओ कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगना है यहाँ पे। और बैकअप क्लास ने तो लाइव देखा है? बिल्कुल सर। स्टूडेंट को देखा है बैकअप क्लास में आते हुए? बिल्कुल देखा है मैंने। तो कैसा लगा, मतलब आपने देखा होगा 2019 तक के भी स्टूडेंट? जी बिल्कुल आए हैं। उनसे कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह कुछ नहीं? अच्छा, आपने कुछ पूछा उनसे? मैंने पूछा उनसे कि कैसे हुआ ना, क्या हमने क्या फीस लिया। उन्होंने बताया हमारे से कोई फीस नहीं ली, हम मैंने पहले से रहना खाना आपका ही है। वो तो जेन्युइन है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कोई टूल के एक्स्ट्रा पैसे क्या रहे? तुम पीपीटी यूज कर रहे हो या फिर माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो, उसके पैसे दो? वो सब इसी का ही है, इसी टेलीफोन की तरफ से ही है। फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल फ्री है। आपको कैसी लग रही क्लास? बहुत बढ़िया लग रही है। कुछ स्टूडेंट्स से हम और पूछेंगे, अब सबसे नहीं पूछेंगे, क्लास चल रही है कंटिन्यू, कुछ हम ओवरऑल इकट्ठा भी पूछ लेंगे, दो दो तीन तीन से पूछ लेंगे कि ओवरऑल कैसी क्लास चल रही है। तो चलिए हम आप दोनों से हम पूछ लेते हैं, बताइए कैसी चल रही है क्लास? बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है सर। अच्छी चल रही है। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये हमारे जो स्टूडेंट हैं, ये हमारे 2000 कौन से बैच के स्टूडेंट हैं? 28 फरवरी 2019। देखिए 2019 के बैच के स्टूडेंट, आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? सर मैं पहले बता देता हूँ, ये केवल पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करके गए थे, तो अगर इनको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं पढ़ाया गया होता तो ये वापस यहाँ पे आते क्या? नहीं आता सर। क्यों वहाँ पे आए यहाँ पे? सर क्योंकि अच्छा नॉलेज मिला था यहीं से, तो मैं सोचा पूरा नॉलेज यहीं से ही लूँगा और दूसरे जगह से नहीं लूँगा। दूसरे जगह से नहीं लेंगे? तो अभी कैसा पढ़ाएगा जो आपका? सर एकदम मस्त है सर। ऐसा तो नहीं कुछ चीज़ हाइड करके पढ़ा रहे? नहीं सर, पूरा प्रैक्टिकल है सर, जब से आते हैं तब से। हाँ कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर, क्लास चेंज क्लास। इससे पहले करते थे क्या? नहीं सर, कभी डुअल टेकर हो, हार्डवेयर का हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, सॉफ्टवेयर का नॉलेज? सर वही सब ही नहीं किया था, बस यहाँ आके इतना नॉलेज मिला। क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको कोई लाइव देख रहा है? जी हाँ, ये लाइव क्लास चल रही है, ऐसा कोई वीडियो अभी बना था क्या लाइव क्लास में चलते? नो सर, नो सर, काम हो रहा है तभी तो बन रहा है सर। जी क्लास चल रही है, रियल काम हो रहा है? नो सर। फेक तो नहीं है? नहीं, बैठा दिया जा रहा है, लाइव हो रहा है सर, हम लाइव आने वाले हैं, लाइव एकदम सही हो जाओ। सर किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा लाइव नहीं दिखाया जाता, हर एक स्टूडेंट को लाइव काम पढ़ाया, लाइव पढ़ाया जा रहा करके दिखाया जा रहा, तभी तो हो रहा है, सच्चाई तो दिखाना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ भी बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे, तीनों से आप तीनों से रहेगा ओवरऑल। तो कैसी चल रही है क्लास? सर बढ़िया चल रही है क्लास। बढ़िया या फेक है ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा जो सोचते हो भी देख सकते हैं, डेली का मैं इधर दिखा दूं थोड़ा सा। हाँ। देख सकते हैं डाटा, आप देख सकते हैं शायद आपको अभी दूसरी बुक है जो भर गई है, इसके पहले भी एक बुक है वो भी भर गई है, तो ये ऐसा कुछ भी तो लिख सकते हैं आप? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन सब सीपीयू वाइज लिखा है, देख भी सकते हैं सब स्टेप बाय स्टेप, ये देख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? ये तो सर सीधा एक फैक्ट बताता हूँ, इसका तो 1.5 लाख रुपए भी लेते तो कम कर लीजिए। अच्छा पैसे की कोई ज़्यादा नीड की गई क्या? नहीं नहीं। अच्छा बताइए यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब काफ़ी मैसेज होते हैं कि जो इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं आए जी सर, और वो केवल नाम जानते हैं या फिर कुछ ऐसे वीडियोस देख लिए ऐसे टेलीकॉम की, जो वो भी नहीं आए सही है। मैं जो बताऊँ आपको, जो वीडियो बनी है या जो बनाया है वो एक्चुअल हमारे स्टूडेंट है ही नहीं, है ही नहीं, वो हमारे स्टूडेंट है ही नहीं। और बताइए उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि एक बार आना चाहिए, सच्चाई को एक बार जी, जो जिनके मन में डाउट है। कितने सालों से इस फील्ड में? मैं तो करीब करीब 15 साल से सर। अब देखिए 15 साल, ऐसा कुछ अभी स्क्रिप्टेड था क्या कि हम आएंगे लाइव और? नहीं नहीं, हमारे तो क्लास चल रही है सर। ये तो क्लास चल रही है, हम लाइव वैसे ही आ गए और पता करने के लिए कि हम भी सोच रहे थे, देख रहे थे क्लास चल रही कि नहीं चल रही। बताइए सर, यूँ है कि जिनको भी आना चाहिए मतलब सीखना है वो उनको तो यहाँ आना ही पड़ेगा, तभी जज कर, हाँ जज कर यहाँ आ जाए, आके देखे कि क्या रियल है। हम तो हमारे हम बता रहे हैं, पर अगर आपको हमारे पे विश्वास नहीं है तो फिर आप यहाँ आके एक बार देखें। नंबर दीजिए 9983239295। मैं राजस्थान से हूँ। सकता है क्या? नहीं कोई नहीं, कोई डाउट है हम तो अपना नंबर देंगे। सही सही, हमारे जो भी स्टाफ होंगे, हमारे जो मैनेजमेंट हैं वो जी अपना ही बताएंगे जी सर। अब आपसे कोई वो है क्या कि आपको यही यही बोलना है? नहीं नहीं नहीं, आप जो सीखे होंगे। हाँ मैं जो मेरे अंदर ज्ञान आया है, मतलब पहले जैसे 50 किलो, आप जैसे ऐसे लग रहा है अंदर से 100 किलो का हो गया हूँ, इतना सारा ज्ञान भर दिया अंदर सर। ओवरऑल कैसी क्लास चल? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, एमएमसी की बात करें, बिल्कुल एकदम एंड लेवल सोल्यूशन है। हाँ बिल्कुल सर, तो देख सकते हैं। बताइए कैसे चल रही है? बहुत जबरदस्त सर, जो
जो अपना नॉलेज है एमएमसी में बहुत जबरदस्त मिला सर, जो डाउट था कभी किए नहीं, तबीयत खुश हो गई, वो पूरा क्लियर कर दिए सर। आपको पता चला कि एक एमएमसी से भी हमारा फोन डेड हो सकता है और 50% से ज्यादा मोबाइल रिटर्न जा रहे थे। हिट मार तो चालू होगा क्या? नहीं होगा, अभी नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा सर। कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीन्स जो आप सोच रहे थे कि हम ऐसे टेलीकॉम जाएंगे वहाँ पे, तो कैसा लग रहा है? सही डिसीजन रहा? बहुत जबरदस्त, यहाँ ना आते तो कुछ ना कर पाते सर। तो ये आप लाइव देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं बार बार जैसे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, और ये क्लास चल रही है और ये फालतू का नहीं बैठे हुए, हर एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक चीज सर। तीसरी बुक है। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनसे भी लास्ट हम इनसे पूछते हैं, ओवरऑल तीनों से पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो बताइए, पहले आप बताइए सर। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है सर। आपका अभी जो क्लास चल रहा है हाउ टू जूस सर, बहुत बढ़िया है सर। ऐसा लग रहा है कि मतलब कल से ही आके काम स्टार्ट कर दूं सर। अच्छा, यस सर, बिल्कुल। ब्लैक पेस्टेड कैसा लग रहा है सर? ब्लैक पेस्टेड मतलब ऐसा लग रहा है मक्खन जैसा, बिल्कुल, मतलब नॉर्मल। आपसे जो वादा किया गया था कि आपको चौथे दिन में, तीसरे दिन में पावर, चौथे दिन में सीपीयू नहीं लगवा पाए, तो आप बिल्कुल ही घर जा सकते हैं। तो क्या आप घर क्यों नहीं गए सर? मैंने वो काम यहाँ पे कर लिया, टीचर ने मुझे ऐसा गाइड किया, मैं वैसा काम किया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, एमएमसी से रिलेटेड हो, अगर आपके कोई डाउट्स हैं और जो ना बताए जाते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे डाउट, एक एक डाउट क्लियर होता है सर पूरे। कैसा चल रहा है अभी तक? अभी तक तो बहुत बढ़िया है। देखिए, कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, स्क्रिप्टेड भी नहीं है। स्क्रिप्टेड में बार बार प्रूफ दिखाना पड़ता है लोगों को, ये देख सकते हैं लाइव चल रहा है। तो हम एडिट वीडियो में कर सकते हैं, लाइव में नहीं कर सकते सर। कैसा ओवरऑल बताना सर? बहुत बढ़िया है एक्सपीरियंस। मैं चाहता हूँ कि जो भी यदि इस फील्ड में काम कर रहा है, ठीक है, तो विदाउट गाइडलाइन के काम ना करे, यहाँ आके ज्वाइन करे, हाँ सही वे में काम करे, तो कस्टमर का भी नुकसान नहीं है और अपना भी नहीं है। ऐसा है, चलिए ठीक है। सर, एक मोबाइल Y2 था, इसमें सर मतलब वो डेट था, कंडीशन उसको सर ने ऑन कराया एमएमसी चेंज करके सर। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप हुआ कि पहले से सर ने करके लाया हो? और नहीं सर, यही सबके सामने, सबके सामने हुआ सर, और हमारे ही फोन है सर। सर का तो फोन नहीं है? नहीं सर, हमारे पहले से रेडी करके रखा हूं क्या? नो सर, ये फोन आप ही लोगों का है। पहले से तैयार करके रखा हूँ भाई, ये देखो, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा करता हूँ क्या? अच्छा मिलन सर, अभी जो हम ये लाइव आए, क्या आपको ये पता था कि हम लाइव आने वाले? मेरे को भी नहीं पता था लाइव आ रहे हैं सर। ये लाइव क्लास में किसी को भी पता था क्या? तो ओवरऑल कैसी चल रही क्लास? तो ये आप देख सकते हैं लाइव क्लास, और उन लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं या निगेटिव या पॉजिटिव, तो मैं कहना यही चाहता हूं कि एक बार आप विजिट करिए, और मैंने काफ़ी स्टूडेंट के नंबर भी दिए हैं, आप उस नंबर पे कॉल करिए डायरेक्ट, उनसे पूछिए इंस्टीट्यूट के बारे में, उनसे पूछिए क्लास के बारे में, और उनसे ये भी पूछिए अगर आपसे फ़ोन नहीं बन रहा है और वीडियो देख रहे हैं, तो आप उन्हें कुरियर भी कर सकते हैं। कर सकते हैं? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। Just let me go, please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open scars and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. हमारी आज ईएमएमसी की डे 5 की क्लास, और डे 5 की क्लास में आज हमने क्वालकॉम ईएमएमसी चेंज सीखे हैं। तो थोड़ा बहुत पूछेंगे कि ईएमएमसी चेंज कौन कौन किए हैं, और क्या ईएमएमसी चेंज में हैंडसेट रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है, या इन लोगों की जो सेट था। तो भाई मुझे दिखाओ कौन कौन ने ईएमएमसी चेंज करके रेडी किया फोन। यस सर, ये देख सकते हैं,
ये सारे फोन रेडी है? यस सर। या ऐसे ही है? नो सर, रेडी है। यस सर। और ये एमएमसी चेंज आसान है कि नहीं? बिल्कुल सर, आसान है। यस सर। मुझे बताइए कि एमएमसी चेंज फाइल या तो फिर मॉडिफाई फाइल आपके पास नहीं रहेगा तो भी काम कर सकते हो? यस सर। कौन कौन कर सकते हो आज? यस सर। एमएमसी चेंज फाइल नहीं रहेगा तो भी? यस सर। अरे ऐसा क्या ट्रिक है? अच्छा मुझे बताइए कि अब ईएमएमसी क्या इतना कठिन है? नो सर। अच्छा मुझे एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि जो डे वन से हम लोग क्लास कर रहे हैं आपकी काउंसलिंग की क्लास से लेके, काउंसलिंग की जो क्लास हो रही है, काउंसलिंग की क्लास से लेके अभी तक कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। अच्छा सारे डाउट क्लियर होता है कि नहीं होता है? yes, sir! पूरा क्लियर होता है? yes, sir! ऐसा तो नहीं आप पूछते हो, मैं हम सारे लोग बोलते हैं कि भाई बाद में बताएंगे, रुक जाओ, ऐसा कुछ है क्या? yes, sir! नहीं ऐसा। तो बताइए कि हमारी जो क्लास रहती है ये क्या स्क्रिप्टेड रहती है? नो सर। हाँ कि मैं ये पढ़ाऊंगा, ये फोन लेके आया मैं रूम से, ये ले पढ़ा दिया, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। ये सारे फोन किसका है? हमारे। आपका? यस सर। और आप ही लोगों का फोन बनता है? यस सर। सर चलिए, और पेस्टेड का क्या हालचाल? बहुत बढ़िया एकदम। यस सर। कोई भी फोन? यस सर। डबल डेकर कौन कौन करने वाले हो भाई? यस सर। सारे? यस सर। चलिए मैं एक स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, जैसे क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मंगलाराम है, मैं राजस्थान से। आपके हाथ में कौन सी फोन है? नोट 5 प्रो? नोट 5 प्रो नहीं, Y2 है। Y2। तो ये इसका एमएमसी चेंज आप कर पाएंगे कि नहीं? यस सर, बिल्कुल आसानी से इसकी एमएमसी हम चेंज कर पाएंगे। मुझे बताइए कि आपके पास अगर एमएमसी चेंज फाइल नहीं रहेगा तो भी कर पाएंगे कि नहीं? तो भी सर हम कर पाएंगे, एमएमसी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का तो भी कर पाएंगे। हां सर। ऐसा तो नहीं पेस्टेड आईसी खोल सकते हो? नहीं कर सकते जी सर, बिल्कुल मक्खन की तरह हम। आप कितने दिन से इस लाइन से हैं? मैं सर बिल्कुल फ्रेशर हूं। फ्रेशर हो फिर भी एमएमसी चेंज का गारंटी ले सकते हो? बिल्कुल कर पाएंगे। बिल्कुल। हां सर। अच्छा आज के कोड क्या था? सी में थोड़ा चेंजेस देखने मिला और डब्ल्यू में भी? सबको क्लियर है? चलिए आप कहाँ से हैं? मैं सर राजस्थान से। अच्छा राजस्थान से कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहिए? जी सर वो बेस्ट जी जो आ सकता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है। ऐसा तो नहीं कि भाई आपको प्रेशर देके मैं बोल रहा हूँ? सर ऐसा बिल्कुल नहीं कि भाई आज बोलना है नहीं तो कल क्लास नहीं दूंगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। तो जो दिल से है वही देने का, और नहीं तो नहीं। थैंक यू वेरी मच आपको। मैं और एक स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरजी सिंह हूँ और मैं जम्मू से हूँ सर। जम्मू से? यस सर। अच्छा जम्मू से इतना दूर एशिया टेलीकॉम क्यों? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है इसलिए हम यहीं पे आए। अच्छा इंडिया के नंबर वन बोलने के लिए है कि करने के लिए? नहीं सर बिल्कुल है, नंबर वन ही है सर। जो लोग बोलते हैं कि भाई इसके इनको इनके लिए तो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो पड़ा है, ये पड़ा है, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर वो तो वीडियो मतलब फेक वीडियो है, अगर उससे देख के मतलब अगर किसी को लगता है कि ऐसा है तो आप फ़ोन कर सकते हो किसी स्टूडेंट को फ़ोन करके। जैसे मैंने भी आज लाइव आए थे तो नंबर दिया, आप अगर किसी को डाउट है तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं मेरे को भी सर। फ़ोन करके पूछ सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या अगर मैं आपको यहाँ पे क्लास में कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होता और कुछ भी आपको सिखाता नहीं, थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्टेड पढ़ा देता तो क्या आप आपके लाइव रिव्यू दे से देते? नहीं सर कभी नहीं सर। अब भाग नहीं जाते? बिल्कुल सर। सर अच्छा मुझे बताइए ईएमएमसी चेंज करना हुआ कितना आसान? बहुत आसान हुआ सर। बहुत आसान। ईएमएमसी के नाम से पहले डर लगता था? बिल्कुल सर लगता था। अभी क्या है डर है वो? नो सर। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सभी टीचर का बहुत बढ़िया तरीका पढ़ाने का सर। अच्छा आपके हाथ में कौन सी फोन है? इन्फिनिक्स का। इन्फिनिक्स, इसका एमएमसी चेंज कर पाएगा? बिल्कुल सर। बिल्कुल एकदम एकदम सर। और बताइए कि आपके दुकान पे अगर कोई फोन एक आ गया और एमएमसी से रिलेटेड सर, उस फोन को बना पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल सर। हार्डवेयर से रिलेटेड जैसे मतलब कि अगर लोगो आए जो कुछ भी हो, हार्डवेयर का फॉल्ट है, कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर का भी होगा कर लेंगे सर। अभी आप कितने दिन से इस लाइन से हैं? मैं तो सर काफ़ी टाइम से होगा, 6-7 साल हो गए मेरे को काम करते हुए दुकान पे। तो 6-7 साल की बात करें और यहाँ पे 30 दिन की बात करें, दोनों में कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा भारी होगा? मतलब बहुत फ़र्क है सर। पहले तो मेरे को मतलब हम काम कुछ भी नहीं करते थे ऐसे, यही जो आगे आगे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हीट वीट मार के चल गए तो ठीक है, नहीं तो वापस दे देते थे। अभी क्या हीट मारेंगे? नो सर कभी नहीं सर, कभी भी नहीं। पहले जम्मू से आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि भाई दिल्ली
दिल्ली को छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, सीधे जबलपुर आ जाओ आप। जबलपुर आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट और एक स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। जैसे क्या फोन है आपके साथ? मेरे पास 5A है। 5A, क्या प्रॉब्लम था इसमें? तो सर हैंग ऑन लोगो था और कहीं पे हो भी नहीं रहा था। हाँ, जब EMMC निकाली तो ये खराब, इसकी हेल्थ खराब थी। हाँ, फिर इसको EMMC चेंज किया, मतलब दूसरा EMMC डाले आपने? हाँ सर, दूसरा। दूसरा EMMC डाले और फोन चालू भी हुआ कम्प्लीट? अच्छा, मुझे बताइए कि डे वन से लेके जो देव सर की आप पढ़ा रहे हैं, आपसे हार्डवेयर से रिलेटेड या दुर्गेश सर पढ़ा रहे हैं, ये सब रहे सारे नॉलेज कैसा है? उनको सब डीपली नॉलेज है, हर एक कंपोनेंट के बारे में, हर एक आईसी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। डायग्राम पढ़ना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है और बहुत आसान कर दिया उन्होंने डायग्राम, पहले तो समझ में नहीं आता था सर। अभी अभी डायग्राम पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ा। आसान है सर, बहुत आसान है। कोडिंग वोडिंग सब कुछ अच्छे से रट गई। कहाँ पे अगर VREG लिखा है या VDD लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज जानते हैं सर? आईसी के पैड के बारे में तक में जानकारी होगी सर अब तो। कौन सा लाइन कहाँ पे स्विचिंग होगा, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगा, सब जानते हैं। आईसी का नाम, उसका आइडेंटिफिकेशन, कहाँ मिलेगी आईसी, अगर नहीं भी मिलती तो कहाँ मिलेगी, कौन कौन से मॉडल में वो आईसी लगी रहेगी, सब कुछ सर। कौन सा आईसी को बाईपास कर सकते हैं, कौन सा आईसी को नहीं कर सकते, ये सारे चीज आपको क्लियर है? सारे पॉइंट आईसी के बारे में, नॉट फाउंड को, सब कुछ सर, सब कुछ। तो आपके वहाँ से अगर आपके एरिया से कोई आना चाहे, उसको उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे आप? उसके लिए रिकमेंड करेंगे सर कि वो जल्दी से जल्दी आए और यहाँ सीख के जाए। वैसे ये AC टेलीकॉम के अलावा कहीं और नहीं सिखाएंगे, सब कुछ पैसे ले लेंगे और कुछ नहीं सिखाएंगे सर। बस वेरी गुड। अब मैं बात करूँगा कि जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली मिलता है कि नहीं मिलता? हर चीज सर प्रैक्टिकली, वो चाहे EMMC चेंज हो, वो चाहे EMMC रिपेयर हो, वो चाहे हार्डवेयर का लाइट सेक्शन हो, वो चाहे ग्राफिक्स सेक्शन हो, वो चाहे सॉफ्टवेयर की क्लास हो, सर कुछ भी हो, बिल्कुल ऐसे खोल कर रख देते ना उसको कि आईसी के पार्ट बाई पार्ट। अभी EMMC क्लास चली तो उसके हजारों पार्ट खोल रख दिए, हर एक पैड के बारे में बताया जा रहा है, हर एक चीज के, हर एक सेक्शन के बारे में कि इससे ये अगर पैड उखड़ गया तो ये क्या था, इस पैड के बारे में जरूरी है या नहीं है। बिल्कुल, पहले तो कंफ्यूज आएंगे यार उखड़ गया वो तो खराब हो गई, अभी हमको नॉलेज हो गया कि ये पैड उखड़ गया ये जरूरी था या नहीं है, अब इससे ज़्यादा डीप क्या हो सकता सर। थैंक यू वेरी मच आपको। मैं और एक स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा। जैसे क्या नाम है तुम्हारा? कौन सा मॉडल है तुम्हारा? C2। अच्छा, Realme C2। ये इसका अगर EMMC खराब हो गया तो आप चेंज कर पाएंगे नहीं? आप कहाँ से हैं? नेपाल से। नेपाल से, तो अपनी नेपाली लैंग्वेज में थोड़ा बहुत एशिया टेलीकॉम के लिए क्या बोलना चाहेंगे? स्पेशल थैंक फॉर एशिया टेलीकॉम। के भन्दा अब नेपालमा यस्तो नलेजै छैन कि, मैले सोचे अनुसार नेपालमा नलेजै छैन होइन, जो नेपालबाट पढ्न चाहन्छ उहाँ खर्च गर्नुभन्दा बरु डाइरेक्ट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उसले जित्छ। चलिए, आपको मुझे तो समझ में नहीं आया, बाकी अच्छा ही बोले होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं और एक स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सलीम है, मैं अलीगढ़ UP से। सर अलीगढ़ UP से आप सलीम जी, बताइए आपका क्लास कैसा चल रहा है? सर बहुत बिंदास चल रहा है सर, बहुत बिंदास। जो सोचा था सर उससे बहुत ऊपर चल रहा है सर। बहुत ऊपर? बिल्कुल सर। और बताइए कि डे वन से लेकर अभी तक आपका सफर कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा, फुल पैसा वसूल क्लास है सर। फुल पैसा वसूल क्लास है। अच्छा, कोई डाउट रह जा रहा है कि आपको मन में? नहीं सर, कोई डाउट नहीं, जो रह गए थे सब क्लियर हो गए सर। अच्छा, ये कोई ऐसा तो नहीं आपको, मैं आप तो मन में काफी बड़े हैं मेरे से, तो मैं आपको प्रेशर दे सकता हूँ? सर नहीं, प्रेशर देने की बात नहीं, प्रेशर दे के बुलवा सकता हूँ? नो सर, बोलना है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ है क्या? जो है वही, बिल्कुल सर, जो है वो बिल्कुल खुली किताब जैसा है। खुली किताब, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए, आपके हाथ में अगर एक हैंडसेट है जी सर, और उसका EMMC डैमेज है, या तो फिर हार्डवेयर से प्रॉब्लम है, या तो फिर CPU से प्रॉब्लम है, ये फाइंड कर पाएंगे? बिल्कुल, बहुत इजीली सर, बहुत इजीली। आई स्कैन कर बिल्कुल। ये तरीका कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, DT करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी, सबसे पहले DT करना जरूरी है सर, विदाउट DT कुछ नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते सर। ये समझने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ इसे टेलीकॉम आना पड़ेगा। ये जो कोर्स है आपके, इनके थ्रू इतना ईजी हो गया है सर EMMC के बारे में, क्योंकि मेरे पास में बॉक्सेस वगैरह पहले से भी था लेकिन मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा प्रॉपरली तरीके से, लेकिन यहाँ के मुझे पता चला कि कैसे यूज करना है सर उसे। अभी कर पाएंगे? बिल्कुल सर, बहुत ईजी। EMMC चेंज करना कितना आसान? बहुत आसान है सर, ये बहुत आसान। बिल्कुल सर। चलिए, आपके अलीगढ़ से कोई अगर आना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? मैं उसके लिए कहूँगा बजाय दूसरी जगह जाने से एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करे, अगर हकीकत में कुछ बनना चाहता है, वो काम करना चाहता है। थैंक यू वेरी मच आपको। मैं और एक स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा। जैसे हमारे साथ में है जितेंद्र जी। जी सर, राजस्थान से? जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो बताइए कैसा सफर रहा आपका? बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, आपका देखिए, मैं डे वन से अभी तक बात करूंगा, देव सर की क्लास कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर।
बहुत बढ़िया। और कुछ शब्दों में कुछ क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए? देव सर के लिए तो मतलब एक क्या बोलते हैं, वो समुंदर है, समुंदर है, समुंदर जैसे हमको पानी मिला है उस हिसाब से समुंदर वैसे, मतलब आप उस लेवल से। चलिए मैं बात करूंगा आपको, तो कोर्स खत्म होने लगा है और कोर्स मान लीजिए खत्म भी हो गया जी, और आपने कुछ टॉपिक ऐसा है जो माइंड से निकल गया, क्योंकि सारा चीज दिमाग पे स्टोर हो ऐसा कोई दिक्कत ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं सही है सर। और अगर हम 100% भी दे दे तो हम आप 100% ले जाएंगे ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है 90% ले जा रहा हूँ और 10% मेरे से छूट जा रहा है ना। तो बताइए अगर 10% छूट जा रहा है तो उसके लिए एशिया टेलीकॉम आपको क्या बोल रहा है? वही हम नोट्स लेके जा रहे हैं और उसके बाद बैकअप तो है ही। बैकअप, बैकअप कितने दिन की? बैकअप तो लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। और आपके यहाँ से अगर राजस्थान से कोई आना चाहिए तो क्या बोलना चाहेंगे? बस बेझिझक आ सकते हैं सर, बेझिझक। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरा नंबर तो दिया ही है, अगर आप पर्सनल मुझे कोई कॉल करना चाहे व्यूअर तो कॉल कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच और गुड नाइट ऑल, और क्लैप्स हो जाए सबसे। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?